और आपको धन्यवाद देना चाहते हैं बक्सर आरा पूरे शाहबाद की जनता का कि बिहार विधानसभा में आप लोगों को भाजपा और नीतीश जी का टुकड़ा साफ कर गोलागतनी समाचार बटू ऐसे मरी से हेलीकॉप्टर आ तेजस्वी यादव के देखे खाती कबरल भीड़ थसाथस भरल रहल मैदान एमएलसी के चुनाव प्रचार में पहुंचल रहल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खबर का बटुए विस्तार से जानी। एमएलसी चुनाव प्रचार के अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर से जैसे ही तड़ात सेमरी क्षेत्र के अंतर्गत आशा पड़री के पहला डीह मैदान पे उतरल हैं वैसे ही राजद जिंदाबाद के कार्यकर्ता नारा लगावे लग मंच पे चढ़ते जैसे राजद समर्थक के करजवा दोगुना हो गई ई देखे के मिलत। भोजपुरिया समाचार बयान भी सुनाई यह पहला डीह गांव के मैदान में महागठबंधन के विधान परिषद प्रत्याशी अनिल सम्राट के समर्थन में जनसभा करे पहुंचल रहन तेजस्वी यादव सभा के अगुवाई ब्रह्मपुर विधायक शंभुनाथ के द्वारा कैल गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सबकी एकजुट होके मतदान करे के कहलन साथे साथ मौजूदा सरकार पे भी जम के निशाना साधलन कहलन कि जहाँ स्कूल के शिक्षक के शराब के ढूंढे में लगावल जाता ऐसा स्कूल में पढ़ रहल छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा बा जौन की सुशासन के राज्य में संभव बा। जम के सरकार सिस्टम पे भी हमला बोलने कहले कि दिन दुना रात चौगुना अपराध बढ़ जाता रोज लूट गोलीबारी हत्या के घटना आम हो गई बा युवा खाती ना रोजगार बा ना ही शिक्षा के अच्छा व्यवस्था बा युवा लोग के झूठा प्रलोभन दे के सरकार के द्वारा हमेशा गुर्बक बनावल जाता ई कहत रहन कि नीतीश सरकार हमेशा के जनता के ठगे के काम कैले बिया अपन प्रत्याशी के समर्थन में वोट डाले के अपील कैलन हालांकि आदर्श आचार संहिता लागू होखे के वजह से सभा के नियम के ध्यान में रख के कार्यक्रम के आयोजन कैल गेल रहे। ये दौरान पार्टी के उम्मीदवार अनिल सम्राट ब्रह्मपुर के विधायक शंभुनाथ यादव संदेश विधायक किरण यादव राजद जिलाध्यक्ष शेषनाथ यादव बबलू यादव अंगद यादव सहित स्थानीय नेता बड़ संख्या में राजद कार्यकर्ता एहिजा मौजूद रहन लोग रउरा दर्शक लोग के जानकारी खातिर बता दियाओ कि कहले कि जौना तरीका से बक्सर के चुनाव में विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हैजा के जनता को दिले बिया वही तरीका से एक बार एमएलसी के चुनाव में भी रउरा सभे समर्थन दीही ताकि आवे वाला समय में एमएलसी के हमनी के प्रतिपक्ष के मजबूत दावेदारी पेश कर पाई जा। ये अपील करत कहले कि कम से कम 10 गो एमएलसी चाहिए जौन की हमनी के मजबूती के साथ बात रखे सुनवाई वाली सरकार के नाम पर मिला हम क्या बोले थे पिछला दिन राहुल अगर हमको मौका मिलेगा तो पहला कैबिनेट मीटिंग में पहला अगर कलम चलेगा मुख्यमंत्री रखे तो 10 लाख भगवान के वफादार सिपाही वफादार कार्यकर्ता होने के नाते भले ही लोग कहता हो चुनाव ऐसा है वैसा है हम कहते हैं जो है सो है क्या करता है लोग नहीं करता है लेकिन अंतर में बूथ में जब जाइएगा तो लालू जी का चेहरा याद करके अनिल सम्राट जी को वोट देने का सब लोग जानता मास्टर जी की ड्यूटी भेज देता है कि दारू पकड़ काम है पढ़ाना लिखाना बच्चा का भविष्य सुधारना स्कूल चलाना मास्टर जी जैसे दारू वाले को पकड़ के तो हम इसमें कोई टिपा की पढ़ाई न दवाई न कमाई न सिंचाई ब्लॉक खाना चल जाए तो बिना घूम दिए कोई काम नहीं होता न सुनवाई होती है न कार्रवाई नहीं होता है। अब हम लोगों का जो सदन है बिहार विधानसभा में इतने हम लोग मजबूत हैं
और आपको धन्यवाद देना चाहते हैं बक्सर आरा पूरे शाहबाद की जनता का कि बिहार विधानसभा में आप लोगों ने तो भाजपा और नीतीश जी का सुपड़ा साफ कर दिया, यही प्यार हम लोगों को मिला। कहा उन लोगों को नंबर बोलना दिक्कत तो आप लोग सब लोगों से कहने आए हैं, लेकिन बिहार विधान परिषद से हमारी संख्या नहीं थी, वहाँ विपक्ष का दर्जा चाहिए, विपक्ष के नेते का दर्जा चाहिए। ये लोग जो बेईमानी करके जो भागे हैं, इन्हीं लोगों की वजह से विपक्ष की मान्यता गई है। अब हम आप सब लोगों से यही कहते हैं कि विपक्ष के दर्जे के लिए 10 MLC चाहिए होता है, और हमको पूरा भरोसा है कि इस बार भोजपुर और बक्सर की जनता जो है यहाँ से फिर से लाल कलर का झंडा बुलंद करेगी।